तुम ना ठीक से पढ़ाई कर लो और ढंग की नौकरी कर लो, बस इतना कर लोगे ना जिंदगी सफल है तुम्हारी। बाकी ये सक्सेस, अमीर बनना, गोल अचीव, ये सब पचड़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हमारे आसपास के लोग जब हमें ऐसी बातें कहते हैं ना, ओए होए, बड़ी तकलीफ होती है, पर करें क्या, जब तक हम कुछ ना अचीव कर ले हम उनसे बहस भी नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए, पॉइंट ही नहीं है। लेकिन आपके आसपास कुछ और भी लोग हैं जो आपसे कुछ डिफरेंट कहना चाहते हैं, आपके दोस्त, तो फिर हम तो आपसे कहेंगे कि जो आपको आता है वो तो आप कीजिए ही, लेकिन आप जो चाहते हैं, जो आपके ड्रीम्स है, आप उन्हें भी पूरा कर सकते हैं। तो आपके जो ऐसे सपने हैं ना जिन्हें आप दिलो जान से पूरा करना चाहते थे, अगर वो पूरे नहीं हो पाए, या आपने आज तक सिर्फ दूसरों के सपने पूरे होते देखे हैं मगर खुद के नहीं, तो एग्जैक्टली हम सबके साथ कभी ना कभी ये चीजें होती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग ना लाइफ के गेम में मास्टर होते हैं, उन्हें जो चाहिए वो उन्हें मिल जाता है, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो ये किताब उन रीजंस पर लाइट डालेगी, प्रकाश डालेगी कि क्यों सिर्फ कुछ लोगों को ही सक्सेस मिलती है, सबको नहीं। ये बुक एक्चुअली में एक मैनुअल है जो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर चलती है। ये किताब आपको सिखाएगी कि सक्सेस आखिर मिलती कैसे है। अगर आप भी कुछ बड़े सपने देख रहे हैं तो ये आपको अपनी जर्नी शुरू करने में हेल्प करेगी और आपको डायरेक्शन देगी, जिससे कि आप अपने गोल्स क्लियरली सेट कर पाए और अपने सपनों को पूरा कर पाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस किताब की ये है कि इस किताब के हर चैप्टर में आपको एक एक्शन प्लान मिलेगा जिसे आप किसी भी एक्सरसाइज की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस किताब में आपको वो सीक्रेट मिलेगा जो कि सक्सेसफुल लोग अप्लाई करते हैं अपनी जिंदगी में। अगर आप भी सक्सेस के दीवाने हैं तो इस किताब की इनर वर्किंग के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये ऑडियो बुक समरी शुरू करते हैं आज की इस समरी को। यू कैन विन, यानी कि आप जीत सकते हैं। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, अ स्टेप बाय स्टेप टूल फॉर टॉप अचीवर्स बाय शिव खेड़ा। तो आइए सक्सेस की इस जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहले है इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, यानी कि एटीट्यूड के इम्पोर्टेंस। बिल्डिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड करना। बेशक आपको ये सोच करके हैरानी होती होगी कि क्यों कुछ लोग, ऑर्गेनाइजेशन या कुछ कंपनीज बाकियों से ज्यादा सक्सेसफुल है, तो इस सवाल का जवाब है क्वालिटी। जी हाँ, जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्वालिटी ऑफ पीपल और बिजनेस चॉइस से है। सक्सेस की दुनिया में एटीट्यूड की काफी इम्पोर्टेंस है, जो सक्सेसफुल लोगों को लूजर से अलग करता है। ये बात सब जानते हैं कि किसी भी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से होती है। हर सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत TQP से होती है, यानी टॉप क्वालिटी पीपल। ये वो लोग होते हैं जिन्हें कभी आपने अपनी टीम में शामिल किया था। ये वो लोग हैं जिनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, एक स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है आपके बिजनेस की क्वालिटी को बेस्ट बनाने की, उसे टॉप पर ले जाने की। स्टडीज से ये साबित हो चुका है कि ज्यादातर लोगों को अपने CV की वजह से नहीं बल्कि अपने एटीट्यूड की वजह से जॉब मिलती है। एक्चुअली अपने बिजनेस और लाइफ को लेकर के एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही आपकी सक्सेस का सीक्रेट है। और हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है हमारे एनवायरमेंट पर और हमारे एक्सपीरियंस पर। जो इंसान पॉजिटिव आउटलुक रखता है वो हमेशा खुद से पहले दूसरों की केयर करता है। एक पॉजिटिव इंसान वो है जो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है, धैर्य रखता है यानी कि पेशेंस रखता है, और रिसोर्सफुल होता है। टॉप क्वालिटी पीपल की लिस्ट में शामिल होने के लिए आपको पॉजिटिव बनना होगा, और इसके लिए डेली प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपकी आदत में, आपकी हैबिट में शुमार हो जाए, ऐड हो जाए। इतना ही नहीं, खुद को एजुकेट करते रहिए, साथ ही खुद को नेगेटिव लोगों और नेगेटिव टीवी प्रोग्राम्स या इस तरह के एंटरटेनमेंट से आपको दूर रखना होगा तो बेहतर होगा। हम आपको बताते हैं कि कैसे एक वाइज मैन से मिलने के बाद एक अफ्रीकन फार्मर की लाइफ ही चेंज हो गई थी। होता यूँ है कि हाफिज अपनी खेती बाड़ी के काम से खुश था और एक बढ़िया सी जिंदगी जी रहा था, हैप्पी लाइफ। लेकिन एक वाइज मैन के सिंपल शब्दों ने किसी मिरेकल की तरह उसकी जिंदगी चेंज कर दी। उस वाइज मैन ने हाफिज से कहा कि डायमंड उसे बहुत ज्यादा अमीर बना सकते हैं, अगर उसके पास एक अंगूठे जितना बड़ा डायमंड हो तो वो एक पूरा शहर खरीद सकता है, और अगर उसके पास अपनी मुट्ठी जितना बड़ा डायमंड हो तो वो पूरी कंट्री ही खरीद सकता है। वाइज मैन की इन बातों को सुनकर के हाफिज को रात भर नींद नहीं आई। वो अपनी हालत से ज्यादा खुश नहीं था, तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने खेत बेच करके डायमंड ढूंढने निकलेगा। बहुत दिनों तक इधर उधर घूमने के बाद वो स्पेन पहुंचा। अब तक उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो इतना थका हुआ और खस्ते हाल था कि उसने एक तरह से डायमंड्स मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लाइफ से तंग आकर उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी।
लेकिन हाफिज को मालूम नहीं था कि उसके घर से जाने के बाद वहाँ पर क्या हुआ। जिस आदमी ने उसका खेत खरीदा था उसे एक दिन खेतों के पास वाली नदी में डायमंड्स मिले। दरअसल हुआ ये कि एक दिन वो आदमी नदी के किनारे बैठकर के सुबह का नजारा देख रहा था कि तभी उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखा। जब वाइजमैन खेत के नए ओनर से मिलने आया तो दोनों ने देखा कि हाफिज एक डायमंड माइन के ऊपर सो रहा था, मगर अफसोस कि उसे ये बात मालूम नहीं थी। ये चीज साबित करती है कि जिंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड कितना ज्यादा जरूरी है। हाफिज अगर पॉजिटिव सोच रखता और अपने एसेट्स पर भरोसा करता तो शायद वो सबसे अमीर इंसान होता, मगर अफसोस उसने अपने नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से होपलेस होकर के, निराशावादी होकर के बेकार में ही अपनी जान दे दी। तो इसी कहानी के साथ अब आगे बात करते हैं विनिंग स्ट्रेटेजीज की, जो कि सक्सेस में जरूरी है। हम जानते हैं कि हमें सक्सेस हमारे एटीट्यूड की वजह से ही मिलती है और हमारा एटीट्यूड हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस इज अ मैटर ऑफ चॉइस एंड नॉट लक, यानी कि सक्सेस किस्मत की नहीं बल्कि चॉइस की बात है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, ना कि हमें हाथ पर हाथ रख कर के बैठना है। सक्सेस एक सब्जेक्टिव वर्ड है। अपने गोल्स को एक के बाद एक अचीव करने की जर्नी का नाम ही सक्सेस है। फिर चाहे कितने ही ऑब्स्टिकल क्यों ना फेस करने पड़े, कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, इतिहास में ऐसी कोई भी सक्सेस स्टोरी आपको नहीं मिलेगी जिसमें अड़चने ना आई हो, प्रॉब्लम्स ना आई हो। तो ये तो सक्सेस का पार्ट ही है। अब जैसे थॉमस एडिसन की कहानी को आप ले लीजिए, लाइट बल्ब इन्वेंट करने से पहले वो करीब कोई 10,000 बार फेल हुए थे। सक्सेस के लिए एक ऐसी मेंटालिटी होना बहुत जरूरी है जो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग को पैदा कर सके। आपके अंदर दूसरों से ज्यादा मेहनत करने की डिजायर भी होनी चाहिए। याद रखिए, सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सब्र रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं। इसके साथ ही आप में अपने टाइम को मैनेज करने की खूबी होनी चाहिए ताकि बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिल सके और किसी भी डिफिकल्टी में आपको पीछे नहीं हटना है। ज्यादातर लोग मंजिल के बहुत करीब पहुंच करके अचानक से पीछे हट जाते हैं और इसकी वजह ये है कि ये लोग उम्मीद खो चुके होते हैं और उन्हें लगता है कि उनसे अब और मेहनत नहीं होगी। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए। बिजनेस की दुनिया में कदम रखना है तो पूरी तैयारी के साथ आइए। लॉज ऑफ नेचर की फिलॉसफी आपके बड़े काम आएगी। अपनी गलतियों को अपना सबसे बड़ा लेसन बना लीजिए और जो मिला है उसका शुक्रिया अदा जरूर कीजिए। एक बार एक यंग मैन था जिसने सुकरात से पूछा कि भाई सक्सेस का सीक्रेट क्या है। इस पर सुकरात ने उसे अगले दिन नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। अगले दिन दोनों नदी के किनारे बातें करते जा रहे थे कि अचानक सुकरात ने उस आदमी को गर्दन से पकड़ा और उसे नदी में डुबोने लगे। वो आदमी बचने के लिए जोर जोर से हाथ पांव मारने लगा, उसका दम घुट रहा था। उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की मगर सुकरात की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत थी। वो आदमी पूरी ताकत से स्ट्रगल कर रहा था, उसका पूरा फेस नीला पड़ गया था। फिर अचानक सुकरात ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसे छोड़ दिया। आदमी पानी से बाहर आया और लंबी लंबी सांस लेने लगा। तब सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम क्या सोच रहे थे, उस वक्त तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत फील हो रही थी। तब उस आदमी ने जवाब दिया, हवा। सुकरात बोले, जिस दिन तुम सक्सेस को इतना जरूरी समझोगे जितनी कि इस वक्त तुम्हारे लिए हवा है, तो यकीन मानो उस दिन तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। यहाँ पर सुकरात के सिखाने का तरीका थोड़ा क्रूएल जरूर था, मगर उसका इम्पैक्ट कहीं ज्यादा था। जिस दिन आपकी भी डिजायर इतनी स्ट्रांग होगी तो आप भी सक्सेस के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओगे। इसी के साथ आगे बढ़ते और बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेटिंग योरसेल्फ एंड अदर्स एवरी डे, खुद को तो मोटिवेट करना ही है और साथ ही साथ दूसरों को भी हर दिन। तो आइए इसे समझते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि किसी काम को कैसे किया जाए, बल्कि ये है कि वो काम आप ऑलरेडी क्यों नहीं कर रहे हैं। वैसे ज्यादातर लोगों को पता होता है कि उन्हें सक्सेसफुल बनने के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो उस चीज को अभी और इस वक्त से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। अब दूसरों से इंस्पायर होते हैं, ये अच्छी बात है, मगर आप तभी मोटिवेट होंगे जब आप अपने एक्शन प्लान चेंज करेंगे। आपके इनर वैल्यूज आपकी लाइफ के मोस्ट लास्टिंग मोटिवेशन सोर्स होते हैं। जिन लोगों की लाइफ के कुछ टारगेट, कुछ गोल्स होते हैं, वो लोग हमेशा दूसरों से ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। अक्सर एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि फियर, मनी या इंसेंटिव्स हमें मोटिवेशन फील कराते हैं,
मगर कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी है, जैसे कि सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरों की केयर करना वगैरह। आप दूसरों को भी मोटिवेट होने में मदद कर सकते हैं उन्हें हेल्प और रिस्पेक्ट देकर, या उनके काम को रिकॉग्नाइज करके जो वो डिजर्व करते हैं उनकी तारीफ करके कि आपने बहुत अच्छा किया। तो लोगों की जरूरत के हिसाब से उन्हें हमेशा कुछ बेहतर करने के लिए चैलेंज कीजिए। एक लड़के की स्टोरी है जो अपनी स्कूल टीम में सॉकर खेलता था। वो लड़का हमेशा रिजर्व रहता था, अपने आप में रहता था, क्योंकि उसके कोच को उस पर भरोसा नहीं था। जब भी स्कूल का मैच होता तो उस लड़के के फादर हमेशा मैच देखने आते, हालांकि उनके बेटे को कभी भी खेलने का मौका नहीं मिलता था। फिर धीरे धीरे लड़के ने प्रैक्टिस में आना छोड़ दिया, लेकिन अचानक एक दिन वो फिर से प्रैक्टिस में आया। इस बार वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था। उनके स्कूल का फाइनल मैच होने वाला था। उसने अपने कोच से रिक्वेस्ट की कि वो उसे मैच में रख ले, मगर कोच ने ये कहकर के मना कर दिया कि स्कूल की रिस्पेक्ट का सवाल है और वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहते। मगर उस लड़के के बार बार रिक्वेस्ट करने पर कोच को आखिरकार मानना ही पड़ा। और जब मैच शुरू हुआ तो हर कोई उस लड़के की परफॉर्मेंस को देख करके हैरान था। वो गोल पर गोल किए जा रहा था। इस पूरे गेम का स्टार वो लड़का ही था। गेम जब ओवर हुआ तो कोच ने उससे पूछा कि तुमने ये कैसे किया, क्योंकि वो लड़का सॉकर में कभी अच्छा नहीं था, मगर आज वो अचानक से एक स्टार बनकर उभरा था। तो लड़का बोला कि मैं अच्छा परफॉर्म इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे फादर मैच देखने आए थे, लेकिन उसके फादर तो वहाँ थे ही नहीं। तो कोच ने पूछा, कहाँ है तुम्हारे फादर? लड़के ने कहा कि मेरे फादर ब्लाइंड थे, वो हमेशा उसकी प्रैक्टिस में आते थे मगर कुछ देख नहीं पाते थे, लेकिन आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो वो ऊपर स्वर्ग से मुझे खेलता हुआ देख रहे होंगे और बड़े खुश होंगे। तो अगर आपके पास भी कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है तो आप भी अपनी लाइफ के स्टार बन सकते हैं। बस क्लियर गोल सेट करो, हाई एक्सपेक्टेशन रखो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, तो हम भी आगे बढ़ेंगे। और अब बात करेंगे सेल्फ एस्टीम की, बिल्डिंग अ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम एंड इमेज। आइए जानते हैं कैसे। आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं ये चीज बहुत मैटर करती है। अगर आपकी सेल्फ एस्टीम चेंज होती है तो आपकी परफॉर्मेंस भी चेंज हो जाएगी। आप मोटिवेटेड, हैप्पी और एम्बिशियस फील करेंगे। आपको लो सेल्फ एस्टीम वाले लोगों को अवॉइड करना है, क्योंकि ये लोग ना तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ना ही कभी अपने प्रोमिसेस निभाते हैं। ऐसे लोग अक्सर नेगेटिव अप्रोच वाले होते हैं, जिनके साथ रह करके आप भी नेगेटिव बनते चले जाएंगे, और ये चीज आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ लोग प्रिटेंड करते हैं जैसे उनका सेल्फ एस्टीम काफी ज्यादा हाई है और लोग उन पर यकीन भी कर लेते हैं, मगर सेल्फ एस्टीम हमारे एक्शन से दिखता है, ना कि हमारी बातों से। हमें क्या पसंद है क्या नहीं, ये हमारे सेल्फ एस्टीम से पता चलता है। इसलिए प्रिटेंड करने का कोई फायदा नहीं है, जबकि असलियत हमारे एक्शन के थ्रू शो हो जाती है। आपकी परवरिश कैसे हुई है ये चीज हमारे सेल्फ एस्टीम से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। आपका एनवायरनमेंट आपकी पर्सनैलिटी को काफी हद तक अफेक्ट करता है, और आपकी एजुकेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। डिसिप्लिन भी काफी जरूरी है। जो लोग एक फर्म बिलीफ सिस्टम के साथ पले बड़े होते हैं, वो जानते हैं कि खुद से प्यार करना कितना जरूरी है। ऐसे लोग कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते। डिसिप्लिन में रहना फ्रीडम के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन हमें एक राइट डायरेक्शन की ओर गाइड करता है, हमें सही रास्ता दिखाता है। सक्सेस का सीक्रेट ये नहीं है कि हम वो करें जो हमें पसंद हो, बल्कि जो भी हम करें उसे पूरे दिल से करें। लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती। इंसान को इतना कॉन्फिडेंट तो होना ही चाहिए कि हम लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन को हैंडल कर सके। एक पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम बिल्ड करने के लिए आपको अपनी पेनफुल मेमोरीज से छुटकारा पाना होगा, ये बहुत जरूरी है। अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस याद कीजिए, अपने लिमिटेशन को इग्नोर करके आगे बढ़ते रहिए। हेल्पफुल बनिए, लोगों की मदद कीजिए, लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, और जो आपकी तारीफ करे उसे दिल से एक्सेप्ट कीजिए। इस तरह के अप्रोच के साथ ना आगे बढ़ने से आपके लिए गोल सेट करना और उन्हें अचीव करना और भी आसान हो जाएगा। जैसे विल्मा की स्टोरी, वो बहुत छोटी थी जब उसे पोलियो का तेज फीवर चढ़ा। इस फीवर की वजह से उसकी बॉडी में पैरालिसिस हो गया था। तब उसकी उम्र सिर्फ 4 साल की थी, और डॉक्टर ने कहा कि अब वो लाइफ में कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। मगर विल्मा की आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वो वर्ल्ड की सबसे फास्ट एथलीट बनना चाहती थी। डॉक्टर के बार बार मना करने के बावजूद भी विल्मा की माँ ने उसे सपोर्ट किया। उसकी माँ को पूरा यकीन था कि एक दिन उसकी बेटी अपने सपने को सच कर दिखाएगी।
और वो कहते हैं ना कि अगर खुद पर भरोसा हो तो इंसान अपनी मेहनत और लगन से क्या कुछ नहीं कर सकता। एक दिन विल्मा ने अपने पैरों से ब्रेसेस उतार दिए। वो इतने टाइम बाद आज पहली बार जमीन पर पैर रख रही थी। वो दौड़ना चाहती थी, ट्रैक पर रेस करना चाहती थी, तो विल्मा ने कॉम्पिटिशन में रेस लगानी शुरू कर दी, लेकिन फिनिश लाइन पर वो हमेशा लास्ट आती थी। इसी तरह कई साल गुजर गए, विल्मा ने हार नहीं मानी। वो एक के बाद एक रेस दौड़ती रही, तब तक जब तक कि वो एक दिन जीत नहीं गई। फिर वो यूनिवर्सिटी गई, जहां पर उसे एक अच्छे कोच मिले। उसने कोच से अपना ड्रीम शेयर किया तो उन्हें भी विल्मा की पॉजिटिव स्पिरिट पर पूरा यकीन हो गया था। विल्मा आगे ओलंपिक्स में गई, जहां पर उसका कॉम्पिटिशन सबसे तेज दौड़ने वाली लेडी के साथ हुआ, मगर विल्मा ने उस लेडी को हरा कर तीनों रेस जीती और तीन गोल्ड मेडल लेकर के घर लौटी। विल्मा ने वो कर दिखाया जो डॉक्टर्स के हिसाब से तो एकदम नामुमकिन था। उसने हिस्ट्री क्रिएट की। 1960 यानी कि 1960 में वो ओलंपिक रेस जीतने वाली फर्स्ट पैरालिटिक औरत थी। तो बताइए आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, या सक्सेस पाना वाकई बहुत मुश्किल है। आई एम श्योर अभी भी कुछ सवाल आपके जहन में है, चलिए उनका भी जवाब जानते हैं आगे समरे में। अब आगे बात करते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स की। बिल्डिंग अ प्लीजिंग पर्सनालिटी, ये कैसे आपको बनानी है जानते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक बार कहा था कि व्हाट द वर्ल्ड नीड्स इज नॉट प्रोडक्ट नॉलेज बट पीपल नॉलेज, यानी दुनिया को प्रोडक्ट नॉलेज की नहीं बल्कि पीपल नॉलेज की जरूरत है। लोगों को दूसरों से प्यार करना होगा, उनकी केयर करनी होगी और उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा। बिजनेस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना काफी इम्पोर्टेंट होता है। लाइफ एको जैसी है, जो कुछ आप दुनिया को दोगे वही लौटकर आपके पास आएगा। अगर आप लोगों को लव और पॉजिटिव वाइब्स दोगे तो सेम चीज आपको बदले में मिलेगी। इसलिए ऐसी सिचुएशंस अवॉइड करें जो आपको दूसरों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने से रोके। डिसऑनेस्ट, रूड और सेल्फिश अप्रोच के बजाय लोगों के साथ रिस्पेक्टफुली और प्यार से पेश आए। और एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, जिम्मेदार बनना होगा, दूसरों की फीलिंग्स को समझना होगा और जो भी आपने प्रॉमिस किया है उसे पूरा करें। बड़े प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे करें लेकिन उसे पूरा करें। जितना हो सके कंप्लेन और क्रिटिसाइज करने से हमेशा बचें। अगर कोई गलती करता है तो उसे ह्यूमन बिहेवियर समझ करके माफ कर दीजिए और बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालिए। अपनी गलती तुरंत मान लेना एक गुड पर्सनैलिटी की पहचान है और एक लीडर सेम यही करता है। ये बात हमेशा याद रखिए कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए दूसरों की गलतियों पर बहस करना एकदम बेकार है। आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने की कोशिश करें तो बेटर होगा। इसके बजाय कोई ढंग का आप डिस्कशन कर सकते हैं। याद रखिए अच्छे दोस्त भी उसी के होते हैं जो खुद अच्छा दोस्त होता है। चलिए इसी बात पर एक स्टोरी सुनते हैं। एक बार दो फार्मर्स थे जो आपस में चीजें बांटते रहते थे। पहला वाला एक बेकर था और दूसरा बटर बेचता था। जो बेकर था वो दूसरे फार्मर को फ्रेश ब्रेड दिया करता था, तो दूसरा फार्मर भी बदले में एक पाउंड बटर दे देता था। एक दिन बेकर ने सोचा कि दूसरा फार्मर जो उसे बटर देता है उसका वजन वाकई में एक पाउंड है भी या नहीं। तो अपने शक को दूर करने के लिए उसने एक तराजू मंगाया और बटर का वेट किया। उसका शक एकदम सही निकला। आज तक उसे जो भी बटर मिल रहा था एक पाउंड से कम वेट का मिल रहा था। तो उसे दूसरे फार्मर की इस चीटिंग पर बड़ा गुस्सा आया। उसने इस बात का फैसला करने के लिए दूसरे फार्मर पर केस कर दिया और मामला कोर्ट में पहुंच गया। जज ने दूसरे फार्मर से पूछा कि तुम बटर का वेट करने के लिए उसे तोलने के लिए कौन सा तराजू यूज करते हो। इस पर दूसरा फार्मर बोला कि मेरे पास तो कोई तराजू नहीं है, मैं बटर का वेट करने के लिए इस बेकर की ब्रेड लोफ का ही यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता है कि ये मुझे एक पाउंड ब्रेड भेजता है। अब ये बात साफ है कि इस कहानी में अगर कोई चीटर है तो वो है पहले वाला फार्मर। यानी हम जो दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिविटी और अच्छा एटीट्यूड रखिए, क्योंकि वही आपको बदले में मिलेगा। और इस कहानी के साथ अब आगे बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड और हैबिट्स हमारी किस तरीके से मदद करती है सक्सेस पाने में। क्योंकि हम सब सक्सेसफुल होने के लिए ही पैदा हुए हैं। हम सबके अंदर वो पावर है कि हम अपनी लाइफ में ग्रेट बन सके। लेकिन जो चीज हमें आगे बढ़ने से रोकती है वो है इस सोसाइटी के नियम और रेगुलेशंस। अक्सर हमें लगता है कि सक्सेसफुल लोग हर काम को बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन ये लोग हमसे डिफरेंट नहीं है।
बस ये लोग अपने एक्सपीरियंस से इतना लर्न कर चुके होते हैं कि सक्सेस उनके लिए एक हैबिट बन जाती है, एक आदत बन जाती है। और ये लोग सबकॉन्शियस माइंड से सब कुछ इजीली करते चले जाते हैं। इनके लिए सोशल नॉर्म्स मैटर नहीं करता और ना ही उनके नेचर को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये लोग इतने फोकस्ड और डिटरमाइंड होते हैं। इसीलिए अभी से अच्छी आदतों की आदत डालिए। ये हैबिट्स आपको एक दिन सक्सेस दिलाएगी और खुद को आज से ही सक्सेस के लिए तैयार करना शुरू कर दीजिए। यानी कि पॉजिटिव हैबिट्स जैसे कि चॉइस ऑफ बुक्स जो आज तक आप पढ़ते थे, मूवीज जो आप देखते थे और पॉडकास्ट जो आप सुनते आ रहे थे, अपने चारों ओर एक सक्सेस का माहौल क्रिएट कीजिए। जब आप अपने कॉन्शियस बिहेवियर से शुरू करेंगे तो आपका अनकॉन्शियस माइंड खुद ही उसे फॉलो करेगा। और हम सब जानते हैं कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये इंटरनल होता है, ये सोचता नहीं है और ना ही कोई सवाल करता है। ये तो सिर्फ कॉन्शियस माइंड को फॉलो करता है। इसलिए डर और हेजिटेशन को दूर करके एक्शन पर फोकस कीजिए। वैसे हमारी बॉडी और हमारा माइंड मुश्किल से कंट्रोल होते हैं और हैबिट्स इतनी इजीली चेंज नहीं हो पाती। खास करके हमारा माइंड किसी भी चेंज को इतनी इजीली अडॉप्ट नहीं करता। लेकिन आप पॉजिटिव बने रहिए और हमेशा एक बड़ी पिक्चर इमेजिन करके चलिए, क्योंकि हमारी आदतें रातों रात नहीं बनती। इसके लिए डिसिप्लिन और पेशेंस की जरूरत पड़ती है। हम आपको एक 12 डेज फॉर्मूला बताएंगे जो आपको हैबिट्स फॉर्म करना सिखाएगा। सबसे पहले तो आपको अपनी सेल्फ टॉक पर फोकस करना है, यानी अपने बारे में नेगेटिव कमेंट्स करना छोड़ दीजिए। जैसे कि अक्सर हम बोलते हैं आई एम टायर्ड, तो अपनी डेली प्रैक्टिस में इसके अपोजिट और ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स की हैबिट डालिए। ऑथर हमें अपने नेफ्यूज की स्टोरी बता रहे हैं। उनके दो नेफ्यूज हैं जिन्हें टेनिस खेलना पसंद है। एक बार उनके फादर कंप्लेन कर रहे थे कि उनके दोनों बेटों की इस आदत की वजह से उन्हें कितना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ऑथर उन्हें बोलते हैं कि घर पे सारा दिन खाली बैठकर किसी बुरी आदत में पड़ने की बजाय टेनिस खेलना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। बच्चों के फादर ने इस बात पर गौर किया तो उन्हें भी रियलाइज हुआ कि उनके बच्चों के अंदर पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलप के लिए टेनिस खेलना काफी अफोर्डेबल रहेगा। ये उन्हें एंगेज रखता है, जिससे कि वो किसी बुरी आदत का शिकार नहीं होंगे। वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमारी लाइफ एक वैक्यूम जैसी है। अगर आप पॉजिटिव हैबिट्स को कल्टीवेट नहीं करेंगे, उन्हें नहीं क्रिएट करेंगे, तो आपके अंदर नेगेटिव हैबिट्स आने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। इसीलिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है कि कहीं आप किसी बैड हैबिट का शिकार तो नहीं बन रहे। आपकी आदतें आपको कहां ले जा रही है, सक्सेस की तरफ या फेलियर की तरफ? ये आपके जवाब पर डिपेंड करता है कि आप खुद को फ्यूचर में कहां देखते हैं। इसीलिए आज से ही अपनी हैबिट्स को लेकर के सीरियस हो जाइए और जो भी आपकी नेगेटिव बातें हैं उन्हें पॉजिटिव में बदले। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं गोल सेटिंग की। अपने गोल्स को सेट करना और उन्हें अचीव करना। तो जिन लोगों के पास अपनी लाइफ को लेकर के कोई क्लियर विजन नहीं होता है, उन्हें मंजिल कभी नहीं मिलती। ऐसे लोग लाइफ टाइम बस यहाँ से वहाँ भटकते ही रहते हैं। गोल सेट करने और ड्रीम्स और विशेस पूरी होने में काफी फर्क है। ड्रीम्स में स्पेसिफिक डायरेक्शन की हमेशा कमी होती है, लेकिन सक्सेस के लिए गोल्स को सेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि लाइफ में आपको जाना कहाँ है, तो आप कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने लिए गोल्स सेट करते हैं। ज्यादातर लोग लाइफ को लेकर के नेगेटिव और डरे हुए रहते हैं। उन्हें इस बात पर डाउट रहता है कि वो लाइफ में कुछ अचीव कर भी पाएंगे या नहीं। इसीलिए ये लोग लाइफ में जो कुछ मिला उसी से सेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन यही पर एक डिफरेंस आ जाता है। एम्बिशंस ही ग्रेट लोगों को नॉर्मल लोगों से अलग करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके गोल्स स्मार्ट होने चाहिए। कुछ इस तरह के स्टेटमेंट जैसे कि आई वॉन्ट टू बिल्ड अ सिक्स पैक, या फिर मुझे अपना वजन कम करना है। और साथ ही आपके गोल्स ना मेजरेबल भी होने चाहिए, लाइक कि मुझे 12 kg वजन कम करना है, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके। इसीलिए ये रियलिस्टिक और ऐसे गोल होने चाहिए जिन्हें अचीव किया जा सके। ऐसा कोई भी गोल सेट ना करे जो इम्पॉसिबल हो, जो आपके लिए मुश्किल हो। फाइनली आपके गोल्स एक टाइम लिमिट में बाउंड होने चाहिए। जैसे कि अगर आपको सिक्स पैक बनाने हैं, तो खुद को 6 महीने का टाइम दीजिए। गोल शॉर्ट या लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के हो सकते हैं। कभी कभी लोग जब किसी खास गोल पर फोकस करते हैं, तो अक्सर वो उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाकी चीजें भूल जाते हैं। मगर हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे काम और लाइफ के बीच में एक बैलेंस बना रहे। आपको अपनी हेल्थ और फैमिली को भी ध्यान में रखना है, और फोकस बनाए रखना अच्छी बात है, मगर लाइफ को एंजॉय करना भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
एग्जाम्पल के लिए हम फ्लोरेंस चैडविक की स्टोरी लेते हैं, जो कि एक फेमस स्विमर थी। उसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर लिया था और अब उसके सामने इससे बड़ा गोल था। फ्लोरेंस ने सोच लिया था कि वो अब कैटलिना चैनल को क्रॉस करेगी। पूरी दुनिया देख रही थी जब वो गोल्ड और कोहरे की चादर को चीरते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि वो रास्ते में आने वाली शार्क फिश से भी नहीं डरी। वो लगातार स्विमिंग करती जा रही थी, मगर उस कोहरे की वजह से लैंड नजर नहीं आ रही थी। फाइनली वो इतना थक गई कि उसने गिव अप कर दिया। मंजिल के बहुत करीब पहुंचकर भी उसने लास्ट मोमेंट पर हार मान ली। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि फ्लोरेंस का विजन क्लियर नहीं था। इसके करीब 2 महीने बाद फ्लोरेंस ने फिर से ट्राई किया और इस बार उसे जीत हासिल हुई। उसने मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 घंटे में ये रेस जीत ली। और ये स्टोरी हमें क्लियर विजन की इम्पोर्टेंस बताती है कि अगर आपको अपना गोल ही क्लियर नहीं दिखाई देगा तो आप मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हार मानकर बैठ जाओगे। इसी कहानी से सबक लेते हुए आगे बात करते हैं वैल्यूज एंड विजन की। डूइंग द राइट थिंग फॉर द राइट रीजंस। जी हाँ, हम ये कैसे श्योर करें कि हमारे वैल्यू सिस्टम राइट है या नहीं? तो हम ये कैसे जज करें कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं? लेकिन ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि वैल्यूज सब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से इस दुनिया को देखता है। तो हम कैसे डिसाइड करें? तो ऐसे 2 टेस्ट है जिनसे हम अपने वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। पहला है जिसे मम्मा टेस्ट बोलते हैं। अगर आप कुछ कर रहे हो तो खुद से पूछो कि क्या आपकी मम्मा आपके इस काम से प्राउड फील करेगी या नहीं। अगर वो करती है तो आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, और अगर नहीं तो आपको अपने वैल्यूज में चेंजेस लाने की जरूरत है। दूसरा टेस्ट है बाबा टेस्ट। जब भी आप कुछ करें तो सोचिए कि आपके इमेजिनरी बच्चे आपको देख रहे हैं, क्या वो अपने फादर पर प्राउड फील करेंगे? अगर हाँ तो ठीक है, वरना आप जानते हैं कि आपको कहाँ पर चेंजेस लाने हैं। आप प्रैक्टिस करके अपने वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, और आपके वैल्यूज इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि आप कौन है और आपको लाइफ से क्या चाहिए। अगर आपके वैल्यूज रॉन्ग है तो आपकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी, बहुत ही बेकार हो जाएगी, क्योंकि वैल्यूज आपके अस्तित्व की पहचान है। इसीलिए आपको उन्हीं से स्टार्टिंग करनी होगी। आपके राइट वैल्यूज आपकी लाइफ को एक पर्पस देंगे। जब आपको अपनी लाइफ का पर्पस मालूम हो जाएगा तो आपका विजन भी क्लियर हो जाएगा। आपको पता होगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो और वहाँ आपको क्या मिलेगा। एक क्लियर विजन गुड वैल्यूज से ही बिल्ड होता है, जो आपकी लाइफ को राइट पाथ पर ले जाती है। यहाँ हम एक किंग की स्टोरी सुनेंगे, किंग मिडास की। किंग मिडास को गोल्ड से बड़ा प्यार था। जितना उसके पास गोल्ड आता था उतना ही उसका लालच बढ़ रहा था। उसने हर जगह गोल्ड ही गोल्ड इकट्ठा कर रखा था। एक दिन किंग मिडास के पास एक स्ट्रेंजर आया, एक अजनबी आया। उस अजनबी आदमी ने उससे कहा कि वो उनकी एक विश पूरी कर सकता है, वो जो भी मांगेगा उसे मिलेगा। अब क्योंकि राजा को तो गोल्ड से ही प्यार था, इसीलिए उसने उस अजनबी को बोला कि मुझे ऐसी पावर दो कि मैं जो भी टच करूं वो गोल्ड में बदल जाए। मिडास अपने किंगडम की हर चीज को गोल्ड में बदलना चाहता था। अजनबी ने उसे बोला कि कल सुबह तक तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। अगले दिन जब किंग उठा तो उसने अपने बेड को टच किया, जो गोल्ड में बदल गया। किंग मिडास खुशी से नाचने लगा। उसने विंडो के बाहर अपनी बेटी को गार्डन में देखा। अपनी बेटी को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। उसने किताब पढ़ने की कोशिश की मगर वो गोल्ड की बन चुकी थी। उसने खाने की कोशिश की मगर खाना गोल्ड बन चुका था। अब भला वो गोल्ड कैसे खाता? राजा भूख से तड़प रहा था। मगर सबसे बड़ा डिजास्टर तब हुआ जब राजा की बेटी दौड़ती हुई उसके पास आई और उसकी गोद में बैठने लगी। जैसे ही किंग मिडास ने उसे छुआ वो गोल्ड में बदल गई। राजा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो खुद को कोसने लगा। उसे बड़ा अफसोस हुआ कि उसने ऐसे विश मांगी ही क्यों। तभी वो अजनबी वापस आया और पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? राजा ने कहा कि मेरे विश वापस ले लो और सब कुछ ठीक कर दो। राजा को अब गोल्ड नहीं बल्कि अपनी बेटी वापस चाहिए, जिसके बिना वो जी नहीं सकता था। राजा की विश कैंसिल हो गई और उसकी बेटी अब पहले जैसी हो गई थी। राजा अपनी बेटी को दोबारा पाकर के बहुत खुश था, और उसे समझ भी आ चुका था कि जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। तो इस कहानी के राजा की तरह अगर हम अपने वैल्यूज को चेक नहीं करेंगे तो हम भी किसी गलत चीज पर फोकस करके अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है, क्योंकि उसके बाद ही हम उसे अचीव करने के लिए क्लियर गोल सेट कर पाएंगे। तो इसी कहानी के साथ, इसी सबक के साथ टाइम आ गया है कंक्लूजन का, इस समरी के निचोड़ का। तो ये किताब आपसे ये नहीं कहती है कि एक विनर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बल्कि ये किताब आपको बताती है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो आपको विनर बना दे।
सक्सेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड की देन है। ये हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं बल्कि हमारी पर्सनालिटी और हमारे वैल्यूज पर हमारी रेट ऑफ सक्सेस डिपेंड करती है। इस किताब में हमने पढ़ा कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना क्यों जरूरी है। इसमें हमने मोटिवेशन और हाई सेल्फ एस्टीम की इम्पोर्टेंस के बारे में भी जाना, जो एक सक्सेसफुल लाइफ को बनाने के लिए बेहद जरूरी है। तो ये ना भूले कि रातों रात अचानक से सक्सेस नहीं मिलती। इसके लिए आपको औरों के साथ अच्छा रिलेशनशिप भी मेंटेन करना होगा। आपकी पर्सनैलिटी प्लीजिंग और इनवाइटिंग होनी जरूरी है। याद रखिए कि लाइफ एक बूमरिंग की तरह है, जो आप देंगे वही आप पाएंगे। हमने ये भी सीखा कि हमें ऐसे स्मार्ट गोल सेट करने हैं जो कि स्पेसिफिक हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो, और ये गोल्स राइट वैल्यूज पर भी बेस्ड हो। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नेगेटिव हैबिट्स और गलत वैल्यूज पर बेस्ड लाइफ नहीं जी सकते। इसलिए आपको अपने विजन पर फोकस करना है, खुद को इम्प्रूव करते रहिए और दुनिया में खुशियाँ बांटिए। लाइफ एक विन विन गेम है। जितना आप दूसरों की केयर करेंगे और सोसाइटी की हेल्प करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको वापस मिलेगा। तो अब आप क्या सोच रहे हैं? इस किताब के एक्शन प्लान्स फॉलो कीजिए और अपनी जिंदगी में एक चेंज ले आइए। आपकी सक्सेस आपका इंतजार कर रही है, तो बस आज से क्यों अभी से शुरुआत कीजिए। और इसी के साथ ये समरी यहीं पर समाप्त होती है।